हेलो सेवेंथ क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 6 द किंग्स चॉइस इसकी एक्सरसाइज समझेंगे। सबसे पहले आपकी वर्ड मीनिंग दी हुई है, ये आपको यहाँ से रीड कर लेनी है क्योंकि ये रीडिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आपको मैं बता रही हूँ, आप अपने अनुसार इसको देख लें। आगे हम समझेंगे कंप्रिहेंशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हुम डिड द लॉयन अपॉइंट एज हिज कोर्टियर्स एंड वाई। यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, एन नहीं आएगा यहाँ पे, एन की जगह पे आपका आर आएगा। तो आप अपनी इंग्लिश रीडर में देखेंगे तो यहाँ पे आर दिखाई देगा। लॉयन ने किसको अपने दरबार में नियुक्त किया था, एंड वाई और क्यों। द लॉयन अपॉइंटेड द क्रो द फॉक्स एंड द लेपर्ड एज हिज कोर्टियर्स। लॉयन ने एक कौए को, लोमड़ी को और लेपर्ड यानी तेंदुओं को अपना दरबारी नियुक्त किया था। ही डिड सो फॉर द फॉलोइंग रीजन, उसने ऐसा क्यों किया था, उसके निम्न कारण थे। द फॉक्स वाज वाइज एंड क्लेवर, फॉक्स जो थी वो बुद्धिमान और चतुर थी। द लेपर्ड वाज अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड, लेपर्ड जो होता है बहुत अलर्ट रहता है और उसके जो पैर रहते हैं वह काफ़ी स्विफ्ट रहते हैं। द क्रो कुड फ्लाई हाई, और जो क्रो है कौआ है वो ऊंचा उड़ सकता है। अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगे तो यहाँ के बाद आप बिकॉज करके आंसर को यहाँ से लिख सकते हैं। लेपर्ड हिज कोर्टियर्स बिकॉज, यहाँ पे आप बिकॉज लगा लें और फिर यहाँ से लिखें बिकॉज द फॉक्स वाज वाइज एंड क्लेवर, और ये पूरा ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। व्हाट डिड द क्रो आस्क द किंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर का। कौए ने किंग से क्या पूछा, द क्रो आस्क द किंग, इतना क्वेश्चन में से ही आ गया आपका। इफ ही हैड एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट, क्या उसने कभी कैमल का मीट टेस्ट किया है। इट वॉज वेरी टेस्टी एंड स्वीट, ये बहुत टेस्टी और मीठा होता है यानी खाने में स्वादिष्ट लगता है, उसका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स गो इन सर्च ऑफ फूड। किंग और उसके जो दरबारी थे वो भोजन की तलाश में कहाँ गए। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स वेंट टू, फिर से आपका क्वेश्चन में से आ रहा है, द किंग एंड हिज कोर्टियर्स गो की जगह हो गया वेंट, सेकेंड फॉर्म हो गई क्योंकि डिड क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए जब भी डिड होगा तो हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म करनी रहती। तो वेंट टू अ डेजर्ट, टू के बाद आपको डेजर्ट याद रखना है। किंग और कोर्टियर्स भोजन की तलाश में डेजर्ट गए, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। इट वाज सम माइल्स अवे द कैमल लिव्ड देयर, वहाँ से कुछ मील दूरी पर था। और वहाँ पर क्यों गए वो डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ पे ऊँट रहता था। वाई कुड द लॉयन नॉट गो फर्दर, अब यहाँ पे फिर से स्पेलिंग गलत है, ये FURTHER होता फर्दर यानी आगे। द लॉयन एंड हिज कोर्टियर रीच द डेजर्ट, द सेंड ऑफ द डेजर्ट वाज बर्निंग हॉट। लोयन और उसके जो दरबारी थे वो जब रेगिस्तान में पहुँचे तो जो रेत थी, सेंड मीन्स रेत, रेगिस्तान की जो रेत थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, बर्निंग हॉट, सूर्य की रोशनी से रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस पर पैर रखते नहीं बनता है, इतनी गर्म हो जाती है। बिकॉज द ब्लेजिंग सन वाज शाइनिंग देयर, क्योंकि सूर्य तप रहा था। द हॉट सेंड हैड बर्न द लॉयंस पर्स,
जो गर्म रेत थी उसके कारण लोइन के जो पंजे थे, पैर के पंजे, वो जलने लग गए थे। देयर फोर ही कुड नॉट गो फर्दर, इसलिए वो आगे नहीं जा सके। फिर से यहाँ पे एक ही जगह पे यू आएगा, फर्दर, FURTHER। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड दे रिटर्न फ्रॉम द डेजर्ट, वे डेजर्ट से कैसे वापस लौटे। द लॉयन गोट ऑन द कैमल्स बैक, लॉयन जो है वो कहाँ बैठा, कैमल की पीठ पर बैठा। द फॉक्स एंड द लेपर्ड सेट बिहाइंड द लॉयन, और जो लोमड़ी थी, लेपर्ड था, वो लॉयन के पीछे बैठे। द क्रो केप्ट फ्लाइंग, और कौआ जो है वो उड़ करके आया। इन दिस वे दे रिटर्न फ्रॉम द डेजर्ट टू द फॉरेस्ट, इस तरीके से वो रेगिस्तान से वापस जंगल पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द थ्री एडवाइजर्स स्माइल मिस्टीरियसली, जो किंग के तीनों सलाहकार थे वो मिस्टीरियसली क्यों मुस्कुराए, यानी उनकी जो मुस्कान थी वो एक तरह से कुटिल मुस्कान थी, तो वो कुटिल मुस्कान से क्यों मुस्कुराए, मतलब एक तरह से चालाकी जो दिखा रहे थे उसकी बात कही जा रही है यहाँ पे। द लॉयन एंड द थ्री एडवाइजर्स वर टायर्ड एंड हंगरी, जो लॉयन था और जो तीनों एडवाइजर थे उसके, वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बहुत भूखे थे। दे लुकड एट द कैमल इंटेंटली, इस कारण से वो कैमल की तरफ कैसे देखे, थोड़ा सा ललचाने निगाहों से देखे। देन दे लुकड एट ईच अदर, उसके बाद उनने एक दूसरे की तरफ देखा। विथ देयर लुक्स दे प्लान्ड टू एंट्रैप द कैमल, और जो एक दूसरे की ओर देखा तो उस देखने में, विथ देयर लुक्स, देखने के तरीके से उन्होंने क्या किया, कैमल के खिलाफ एक जाल बिछाया। देयर फोर दे स्माइल्ड मिस्टीरियसली, इस कारण से उनकी जो मुस्कान थी वो कुटिल मुस्कान थी, रहस्यमय मुस्कान थी जिसमें रहस्य छुपा हुआ था। वाट डिड दे प्लान नेक्स्ट, आगे उन्होंने क्या योजना बनाई। द फॉक्स मेड अ प्लानिंग, फॉक्स ने योजना बनाई। दे वुड मेक द कैमल रिक्वेस्ट द लॉयन टू ईट हिम, कि वो ऐसा कुछ करेंगे कि कैमल जो है अपने आप लॉयन से रिक्वेस्ट करे कि वो उन्हें खा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लॉयन से टू द कैमल इन द एंड, लास्ट में कैमल ने लॉयन से क्या कहा, सॉरी, व्हाट डिड द लॉयन से टू द कैमल, लास्ट में लॉयन ने कैमल से क्या कहा। अंत में, इन द एंड द लॉयन सेड टू द कैमल, अंत में लॉयन ने कैमल से कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, कि तुम वफादार हो और अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, तुम मेरे मित्र रहोगे जब तक मैं जीवित हूँ। तो ये बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं, आपके में 8 क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे आगे की एक्सरसाइज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेक ट्रू और फॉल्स। पहला है आपका, द किंग वाज बिग हैंडसम फियर्स एंड स्ट्रोंग, तो ये सेंटेंस आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अ किंग मस्ट नॉट हैव कोर्टियर्स, तो ये फॉल्स है क्योंकि उसके कोर्टियर्स होते हैं। द लॉयन हैड 4 कोर्टियर्स, उसके 3 थे, इसलिए ये सेंटेंस भी फॉल्स है। द कोर्टियर्स नेवर अपोज्ड द किंग,
ट्रू। द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल, ये भी आपका ट्रू। द हॉट सैंड हैड वर्न द फीट ऑफ द फॉक्स, ये आपका फॉल्स है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, ये आपका ट्रू है। और अगला है आपका आई शैल ईट यू वन बाय वन इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड आवर सेल्स, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है आपकी वर्ड पावर, यूज दिस फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है आपका यूज दिस फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो फ्रेसेस दिए हुए हैं आपके इनको सेंटेंस में आपको यूज करना है। रन अवे यानी दूर भाग जाना, लुक्ड एट यानी की ओर देखना, सेट ऑफ यानी किसी यात्रा को प्रारंभ करना, रवाना होना, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, और फार फ्रॉम यानी से दूर होना। पहला सेंटेंस है आपका दे ईच अदर, तो इसमें आएगा आपका लुक्ड एट। दूसरा द किंग ऑन अ जर्नी, सेट ऑफ, सेट ऑफ यानी यात्रा प्रारंभ करना। तीसरा है द फॉरेस्ट इज नॉट फार फ्रॉम द डेजर्ट। और अगला है द लॉयन वाज प्लीज्ड, यह आएगा इन स्पाइट ऑफ हिज बर्नड पर्स। और लास्ट बचा आपका द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे। आगे हैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट वन वर्ड फोर। पहला दिया हुआ है अ पर्सन अ पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ किंग और क्वीन, तो आपके लेसन में जिक्र आया हुआ है। यहाँ पे आंसर दिए हैं आपके कोर्टियर्स यानी राजदरबारी, दरबार में जो लोग हुआ करते थे कोर्टियर्स कहलाते थे। अगला अ स्विफ्ट फुटेड एनिमल, यह आएगा आपका लेपर्ड, जिनका जो पंजा रहता है बहुत सॉफ्ट रहता है, उसके चलने की बिल्कुल आवाज़ भी नहीं पता चलती है। वन हु एडवाइजेज, वह जो सलाह देता है, सलाहकार एडवाइजर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये ओ आएगा, यहाँ पे ओ होगा, एडवाइजर यानी काउंसलर। अगला एन एरिया फुल ऑफ सेंड, ऐसा एरिया जो रेत से घिरा होता है उसको हम कहते हैं डेजर्ट, आपके में डेजर्ट आया है। अगला अ प्लेस ऑफ लिविंग, यह आएगा यहाँ पे ड्वेलिंग। और द सिप ऑफ द डेजर्ट, केमल को कहते हैं सिप ऑफ द डेजर्ट। और नेक्स्ट वन हु रिमेंस फेथफुल, वह जो हमेशा ईमानदार रहता है, उसके लिए शब्द आया है आपके में लॉयल। आगे सेंटेंस रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, हैव मस्ट किंग कोर्टियर, आपको सही क्रम से जमा करके सेंटेंस बनाना है। रीअरेंज द सेंटेंस में आप इस तरह से नंबर डाल करके कर सकते हैं। हमको सबसे पहले ये देखना रहता है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आनी चाहिए सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद मेन वर्ब, और तब फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आ किंग मस्ट हैव कोर्टियर्स, इस तरह से ये सेंटेंस आपका रीअरेंज होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस दिए हुए हैं मैं उनके आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ। दूसरा सेंटेंस आपका होगा अ बर्ड कैन फ्लाई हाई, सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ है अ बर्ड, हेल्पिंग वर्ब कैन, मेन वर्ब फ्लाई, और बाद में बचे हुए शब्द। नेक्स्ट होगा थर्ड जो आपका व्हेनेवर ही रोवर्ड दे स्टूड इन ओ। और नेक्स्ट है इट लुक्ड बिग एंड फैट। अगला है द हॉट सैंड हैड बर्नड हिज पर्स। और नेक्स्ट है द फॉरेस्ट वाज फार बिहाइंड देम। आगे हम देखेंगे ग्रामर इन यूज, अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
आपको इस सेंटेंस में वर्ब बतानी है, तो ये आपके सेंटेंस दिए हुए हैं द डॉग बार्कड एट द थीफ, तो यहाँ पे जो वर्ब है आपकी बार्कड, सेकंड फॉर्म दी हुई है। द स्नेक किल्ड द रैट, ये किल्ड आपकी वर्ब है। द हेयर फेल इन टू द वेल, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रही है। जब दो वर्ब होती हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तब मेन वर्ब आती है। तो ये सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। द हंटर शॉट अ लॉयन, तो यहाँ पे शॉट आपकी वर्ब है। फिश स्विम इन द रिवर, यहाँ पे आपकी स्विम वर्ब है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विथ सूटेबल एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स, ये आपकी एडवर्ब दी हुई हैं, इनसे आपको करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। पहला है आपका द किंग ट्रीटेड द एनिमल्स वेरी, इसमें आएगा आपका काइंडली, तो ये आपको काइंडली पे नंबर 1 डाल लेना है। नेक्स्ट है आपका द हंग्री लॉयन एट द फूड, इसमें आएगा आपका ग्रीडीली। और अगला है अ टोर्टोइस वॉक्स स्लोली, कछुआ बहुत धीमे चलता है। और द फॉक्स स्माइल्ड मिस्टीरियसली, और अगला द फॉक्स स्माइल्ड इसमें मिस्टीरियसली। ऑल द एनिमल्स टुक ओथ ऑफ टू द किंग, आपका दिया हुआ है इसमें लॉयल्टी, तो ये आपका 5वां। और नेक्स्ट है आपका इट वॉच अनबियरेबली असहनी, जिसको सहन ना किया जा सके, तो अनबियरेबली हॉट। और द एनिमल्स लिव्ड, यहाँ पे आएगा आपका हैप्पीली इन द जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट्स टॉक सम इमेजेस ऑफ द फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट आर गिवन हियर बट दे आर मिक्स्ड, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके जो मिक्स हैं फॉरेस्ट के और डेजर्ट के, यानी कौन सी चीज़ें डेजर्ट में होती हैं और कौन सी फॉरेस्ट में होती है, वो सब बातें मिक्स हैं। डिस्कस देम इन ग्रुप्स टू शॉर्ट आउट एंड राइट देम सेपरेटली इन द टू कॉलम्स गिवन बिलो, आपको इस पर डिस्कस करना है और दोनों को अलग करना है। कौन सी बातें ये दी हुई हैं, ग्रीन ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, ड्राई लैंड, कैमल, हॉट सैंड, डेट, पाम, ओएसिस, वर्ड्स, स्ट्रीम्स, एलिफेंट्स, डियर, मंकी, स्विंगिंग ऑन ट्रीज। तो आपको इस तरह से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। फॉरेस्ट में होते हैं ग्रीन ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स, डेट, पाम, बर्ड्स, स्ट्रीम्स, एलिफेंट्स, मंकीज, स्विंगिंग ऑन ट्रीज। अब इसमें से डेट जो है वो आपके डेट और पाम डेजर्ट में होते हैं, तो ड्राई लैंड, कैमल, हॉट सैंड, ओएसिस, डियर। डियर यहाँ नहीं आएगा, डियर आपका इसमें आएगा, इसकी जगह पे डेट और पाम आपके इसमें आएंगे। खजूर जिसको हम कहते हैं वो रेगिस्तान में ही मिलते हैं, डेट और पाम एक ही प्रजाति के
वृक्ष होते हैं। आगे है लेट्स राइट यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर विजिट टू अ बर्ड सेंचुरी और अ नेशनल पार्क। अ नेशनल पार्क नेम बताना है आपको सबसे पहले इस तरह से, इट इज इन स्टेट बर्ड फेमस फॉर बिसाइड लॉयंस देयर आर अदर वाइल्ड एनिमल्स लॉट्स ऑफ पीपल कम डेली। इस तरह से आप इसमें जो सेंटेंस आपको बनाने हैं, आप लेसन सेकेंड क्लास 8 आपका एक चैप्टर दिया हुआ है कान्हा किसली के ऊपर, आप चाहें तो इन सेंटेंसों को वहाँ से मतलब उस चैप्टर को पढ़ करके बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे वन डे आई विजिटेड अ नेशनल पार्क, एक दिन मैंने नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इट्स नेम इज कांजीरंगा नेशनल पार्क, या आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अपने जहाँ पे आपने घूमा हो या आप जहाँ के रहने वाले हों वहाँ पास में कोई हो तो। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ असम, जैसे मैं कान्हा किसली का जिक्र कर रही हूँ तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज़ वर्ल्ड फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस, यहाँ पे एक सिंह वाला गेड़ा हाथी रहता है यानी उसके लिए ये प्रसिद्ध है। बिसाइड्स लॉयंस देयर आर अदर वाइल्ड एनिमल्स सच एज अ टाइगर पेंथर लेपर्ड एंड बियर्स, वहाँ पे ये दूसरे जानवर भी हैं। लॉट्स ऑफ पीपल कम देयर डेली टू सी द बर्ड्स एंड एनिमल्स, वहाँ पर रोजाना बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। देयर इज ऑल्सो अ फैसिलिटी टू वंडर इन द फॉरेस्ट एरिया नेम्ड कांजीरंगा। इस तरह से आपका ये नेशनल पार्क के ऊपर एक तरह से छोटा सा पैराग्राफ हो जाता है। आगे है आपका राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हाउ एंड वेयर यू स्पेंड योर लास्ट समर वेकेशन। तो इसके लिए भी ये जो क्वेश्चन का आंसर है मेरे उसमें, आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो लेटर एंड ऐसे दिए हुए हैं और उसमें आप एक लेटर पढ़ेंगे, लेटर फॉर समर वेकेशन। तो उसमें मैंने कान्हा किसली नेशनल पार्क का जिक्र किया हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से उसको मैंने समझाया हुआ है। दो पात्र हैं कि आने वाले दिनों में छुट्टियां आप बिताएं या फिर आपने पिछली छुट्टियां कैसे बिताई, तो उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप वो लेटर को ज़रूर देखें। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका लेसन समाप्त होता है।